दोस्तों जैसे T20 क्रिकेट के लिए एक बड़ा गेम चेंजर था, वैसे ही साल 2020 दुनिया के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। साल 2020 में अभी तक हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे क्या होने वाला है, इस पर डिस्कशन करते हैं। शुरू करते हैं एक छोटी सी बात अनामिका के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे बताएं किस तरह के और वीडियोज आप देखना चाहते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब दुनिया 2020 के स्वागत में जश्न मना रही थी, हाय गाइस इट्स द टाइम फॉर फन, होटल ने बॉनफायर अरेंज किया है हमारे लिए, बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, तभी एक बहुत बड़ी बीमारी ने चाइना में दस्तक दे दी थी और देखते ही देखते ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और इतिहास में इसने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। इस बीमारी ने सबकी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। इस जनरेशन के जितने लोग हैं जिन्होंने भी इस सिचुएशन को विटनेस किया है, लाइफ टाइम तक हम इस सिचुएशन को भूलेंगे नहीं। भारत में जैसे ही इस बीमारी ने दस्तक दी, 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हो गया, पूरा भारत घर पे बैठ गया। अचानक लॉकडाउन होने से जो लोग घर नहीं जा पाए वो लोग घर वालों की याद में दुखी हैं और जो घर में हैं वो घर वालों से दुखी हैं। इस परिस्थिति को ना मैं ट्रेन में ट्रैवल करने के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। अब सोचिए आप एक ट्रेन की बॉगी में बैठते हैं, थोड़ी देर आप बैठते हैं, फिर आप उठते हैं, इधर उधर देखते हैं, उसके बाद आप वापस आके बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप उठते हैं, आप जाके दरवाजे पे खड़े होते हैं, दरवाजे के बाहर आप 2-3 मिनट देखते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं। तो यही हाल है लॉकडाउन का, घर ऑफिस बन गया है, कब वीकेंड्स आते हैं पता ही नहीं चलता। हाउसवाइफ का काम तो डबल हो गया है क्योंकि अब बच्चे, पति सब लोग घर पर ही हैं। जो औरतें अपने मायके चली गई थी वो खुश हैं, जो ससुराल में ही रह गई वो अब पछता रही हैं। जहां एक तरफ लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा है और सुइसाइडल केसेस भी बढ़ रहे हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ चौंका देने वाले नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं। 144 केसेस उत्तराखंड से, हरियाणा से 79 केसेस, दिल्ली से 69 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इस लॉकडाउन में जो लोग घर से बाहर गए उन्होंने पुलिस के डंडे खाए और साथ में कोरोना भी फ्री में घर पे लेके आए। पुलिस और मेडिकल स्टाफ ने इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। घर में तो हम तरह तरह के पकवान बना के खा रहे हैं पर साथ में अपना वेट भी बढ़ा रहे हैं। जिन पति पत्नी ने ये लॉकडाउन का पीरियड बिना लड़े बिना झगड़े पीसफुली निकाल लिया, उनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लॉकडाउन के बाद ही वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका असर दिखने लगा, वर्ल्ड इकोनॉमी डगमगाने लगी और ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता की बात थी। भारत के लिए चुनौतियां और बड़ी थी क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। इन परिस्थितियों को देखकर सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया और साथ ही देशवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन मेंटेन करने का संदेश दिया। पर लॉकडाउन खुलते ही बहुत लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बिल्कुल बंद कर दिया। कोरोना वायरस की महामारी से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी नहीं बच पाए। कोरोना तो आया ही है और अपने साथ 4 और बीमारियां लेकर आया है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया एसेट्रा एसेट्रा। इंडिया और पाकिस्तान हुए दुश्मन, चाइना और पाकिस्तान हुए भाई भाई। ये भाईचारा कहीं वर्ल्ड वॉर ना करा दे। चाइना पर लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि टिकटॉक बनाने वालों का बिजनेस डूबा। टिकटॉक बनाने वाले आजकल बहुत उदास है, उदास होना तो स्वाभाविक है, पर देश पहले बाकी सब बाद में। इस दौरान बहुत से पुलिसकर्मी और सेना के जवान भी शहीद हुए, इन शूरवीरों को हमारा प्रणाम। भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और चाइना के 50 एप्स पे लगाई रोक और कैरी मनाटी ने अपने यलगार से मचाई धूम। लॉकडाउन में लोगों ने योग और आयुर्वेद के महत्व को समझा। स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद के द्वारा कोरोना का इलाज निकाला। इन कुछ ही महीनों में हमने बहुत से बड़े अभिनेता भी खोए, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और इरफान खान। ये अभिनेता तो नहीं रहे पर पीछे छोड़ गए अपने अभिनय की एक गहरी छाप। ग्रहण को पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा और उल्का पिंड पृथ्वी से टकराते टकराते बचा।
एक तरफ भूकंप ने लोगों की नींद उड़ा दी, दूसरी तरफ साइक्लोन और बारिश ने बंगाल और बिहार में तबाही मचा दी। पर इन सब के बीच में टेक्नोलॉजी ने लिया है एक बड़ा मोड़। डिजिटलाइजेशन ने इस फेज में बहुत उन्नति की है। डिजिटलाइजेशन से लोग तेजी से जुड़ने लगे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा विश्व घर बैठे बहुत कुछ सीख रहा है। सीखने के और जानने के साधन और मजबूत हो गए हैं। जिस तरह से कुछ पुराने साधन बंद हुए हैं, उसी तरह से बहुत से नौकरी के और बिजनेस के नए साधन भी खुले हैं। दोस्तों, ये साल बदलाव का साल है। कुछ महीनों में इतना कुछ हो गया, आने वाले महीनों में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। हमें अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और जितना कम हो सके उतना घर से निकलना है। बाकी देश की सिचुएशन को तो हमारी सरकार बहुत अच्छे से संभाल ही रही है। तो दोस्तों, ये था अब तक 2020। देखते रहिए अनामिका चौधरी व्लॉग्स। मुलाकात होगी आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।